हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं समीर आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल डिजिटल पावर में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, बहुत से व्यूअर्स के कमेंट आ रहे थे कि जो अभी पंचायत चुनाव चल रहा है उसका जो रिजल्ट है हम अपने मोबाइल फोन से लाइव कैसे देख सकते हैं कि किस प्रत्याशी को कितना वोट पड़ा हुआ है और किस पंचायत में मुखिया पद के लिए वार्ड सदस्य, जिला परिषद, वार्ड समिति, पंच, सरपंच, यानी जितने भी अभी चुनाव हो रहे हैं उनमें कौन कौन से प्रत्याशी या उम्मीदवार खड़ा हुए थे, किस प्रत्याशी को कितना मतदान हुआ, कितने मतों से विजयी हुए, कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल फोन से कैसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे ग्राम पंचायत सदस्य के लिए और यहाँ पे पश्चिम चा मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट के लिए, प्रखंड के लिए और पंचायत के लिए, और यहाँ पे देख सकते हैं किस वार्ड का मैंने देखा है, 13 नंबर वार्ड के लिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि 13 नंबर वार्ड में जो यहाँ पे कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6 व्यक्ति चुनाव लड़े थे, जिसमें से देख सकते हैं किस व्यक्ति को यहाँ पे नाम मिलेगा देखने के लिए। और यहाँ पे आपको कुल प्राप्त मत, यानी देख सकते हैं यहाँ पे कि किस कैंडिडेट को कितना वोट मिला हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अनुपम कुमार को 50 वोट, काशी कुमार को 66 वोट, और यहाँ पे देख सकते हैं जो मैक्सिमम वोट पड़ा हुआ है इस वार्ड में 95 मतों पे विजयी हो गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे विजयी कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पे ग्रीन टिक मिल जाएगा, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ग्रीन आपको शो होगा। तो ये कैसे आप देखेंगे इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको आ जाना होगा फ्रेंड्स इस वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक मैं आपको बता दूंगा कहाँ से मिलेगा और कैसे आप इसको देखेंगे, मैं आपको प्रॉपरली करके दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको आने के बाद आपका चरण यहाँ पे कौन सा चल रहा है, अभी फेज टू का रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश किया गया है तो फेज टू यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी फेज का चुनाव हो जाएगा उसकी मतगणना शुरू हो जाएगी तो ऑटोमेटिक यहाँ पे उस चरण का नाम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पद, किस पद के लिए आप देखना चाहते हैं कि कितना कैंडिडेट लड़े हैं, किसको कितना मत हुआ है, कौन विजेता हुआ है, तो मैं यहाँ पर दिखा दूँ फ्रेंड्स। मुखिया पद के लिए यहाँ से जिस पद का देखना चाहते हैं सेलेक्ट कीजिएगा, जिस जिला का देखना चाहते हैं उस जिला का यहाँ पे नाम आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे जिस प्रखंड का देखना चाहते हैं प्रखंड का नाम आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ग्राम पंचायत का नाम आपको सेलेक्ट करना होगा कि किस ग्राम पंचायत का आप देखना चाहते हैं। ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए नीचे शो का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे जब स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रत्याशी को कितना वोट मिला हुआ है और कितना पदों से वो कितना मतों से विजयी हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलेगा जिला का नाम, यहाँ पे प्रखंड, यहाँ पे पंचायत का नाम, यहाँ पे पद, किस पद के लिए आपने देखा हुआ है चुनाव लड़े गया था, और यहाँ पे प्रत्याशी, जितने भी प्रत्याशी होंगे प्रत्याशी का नाम मिलेगा, और यहाँ पे मैंने बता दिया है कि आपको मत मिलेगा। तो जो कैंडिडेट विजयी हुआ है उसको यहाँ पे देख सकते हैं 1494 टोटल वोट उनको पड़े हुए हैं वैध मतों का और वो विजयी हो सके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे मिलेगा हाईलाइटेड किया हुआ ग्रीन कलर में वही विजेता है, और उनके नाम के आगे यहाँ पे देख सकते हैं आपको मिलेगा कि कृष्णा देवी जो है मुखिया प्रत्याशी की विजेता कैंडिडेट रही है। तो आप इस तरह देख सकते हैं कि आपका जो पंचायत चुनाव में किसका कितना वोट पड़ा हुआ है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए। यहाँ पे आपको मिलेगा अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए, यहाँ से प्रखंड सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ से ग्राम पंचायत, और यहाँ से आप किस वार्ड का देखना चाहते हैं उस वार्ड को आपको सेलेक्ट करना होगा, और उसके बाद आपको शो पे क्लिक करना होगा। शो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल उम्मीदवार की संख्या जो 3 है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रियंका कुमारी विजेता रही है, टोटल मत जो होगा 147 मतों से विजयी हो गई है। तो आप इस तरह देख सकते हैं आप अपने मोबाइल फोन से ही कि कौन से कैंडिडेट आपके ग्राम पंचायत का विजेता रहा है, आप अपने घर बैठे बिना भीड़ का हिस्सा बने हुए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इसी तरह का अपडेट लेना चाहते हैं तो साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे
मिस नहीं हो। मिलते हैं नए अपडेट, नए वीडियो, नए रिक्रूटमेंट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।